वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने इफ एल्स कंडीशन देखी थी, उसी के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं और एंड, जो कि ऐसे लिखते हैं हम और एंड, और इनका जो सिंबल है ये और का, ये एंड का है, ठीक है। तो ये कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो इफ एल्स कंडीशन हम लगाते हैं इसमें नॉर्मली कि मेरे पास चलो एक नंबर है 10, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरा नंबर है, अगर जो ये नंबर है मेरा, ये नंबर अगर इक्वल टू 10 रहे, या मतलब इक्वल नहीं, इसको करते हैं कि ग्रेटर देन, कि जो है नंबर ग्रेटर देन हाइफन टी जी टी ग्रेटर देन हो हमारे किससे, 18 से, 18 से ज़्यादा हो ये नंबर। और उसके बाद एक और कंडीशन आएगी एंड, ठीक है। एंड क्या हो, लेस देन हो, मतलब इससे ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 18 से ज़्यादा हो और 30 से छोटा हो, ठीक है। ऐसी कंडीशन हमें लिखनी है। तो अभी मैं क्या करूँगा, एंड के लिए आप यूज़ कर सकते हो हाइफन ए, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, आपका जो ये नंबर है ये होना चाहिए लेस देन 30, ठीक है। अगर ये होगा तो आप अपनी कोई भी स्टेटमेंट करवा सकते हो कि यस फर्स्ट, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो उसके बाद एल्स कंडीशन लगा दो, एल्स सेकंड, ठीक है। इस कंडीशन में घुस जाएगा, बस इसको बंद कर देते हैं हम। अब इस फाइल को रन करते हैं, ये गया सेकंड में, सेकंड में इसलिए गया क्योंकि ये हमारा जो नंबर है वो 10 है, 18 से ज़्यादा हो और 30 से कम हो तो ये नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 19, तो अब ये जहाँ तक है फर्स्ट में आएगा, ठीक है। तो देखो एक तरीका हो गया ये वाला, और अगर आपको ये यूज़ नहीं करना, इसको मैं कर देता हूँ पूरे को कमेंट, तो आप इसमें एंड वाला यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बंद कर दो यहाँ पे, उसके बाद इसमें सिंबल लगा दो एंड, और फिर इसको यहाँ से स्टार्ट कर दो दूसरे वाले को। तो पहली कंडीशन ये होगी, उस बाद एंड, उसके बाद दूसरी कंडीशन। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ तो भी सेम आएगा, अगर ये वैल्यू आपकी 30 से ज़्यादा होगी, 33 कर दी, तो फिर ये सेकंड वाली में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एंड का। अब अगर आप और यूज़ कर रहे हो तो और के लिए क्या करोगे, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और कमेंट कर देता हूँ वापस से, इसको नीचे आ देता हूँ। और के केस में देखो कि जो आपका नंबर है वो या तो इक्वल हो 18 के, या और का साइन ये होता है, या फिर ये इक्वल होना चाहिए 30 के, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाली में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो अभी सेकंड में आ रहा है, अगर ये नंबर हमारा 18 है, क्योंकि मैंने यहाँ क्या कर रखा है कि जो नंबर है वो 18 होना चाहिए, ठीक है, आ गया। अगर हमारा नंबर जो है वो 30 होगा तो भी आ गया, ठीक है। ये और का हो गया। अब और को आप एक तरीके और, एक तरीका और है उससे भी कर सकते हो, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, यहाँ पेस्ट करा, जैसे हम ऊपर कर रहे थे ना हाइफन ए एंड के लिए, ये वाला कमेंट में इसलिए करता हूँ ताकि आराम से कॉपी पेस्ट कर सकूँ मैं, ठीक है। इसको यहाँ से मैंने पेस्ट करा, ये होता है हमारा एंड के लिए, ये होगा और के लिए, ए होता है हमारा एंड, ओ होता है और। ये देखो अब भी सही आ रहा है, अगर ये नंबर हमारा 32 होता है तो भी ये हमारा, अच्छा इक्वल हो ना, यहाँ पे देखो इक्वल टू ये और इक्वल टू ये, तो सेकंड में गया। अगर ये हमारा होता 30 तो फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो सेल स्क्रिप्टिंग के अंदर, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।